आज मैं एक क्वेरी कवर करूंगा, एक ऐसा क्वेरी जिसके बेसिस पे बहुत सारे इन्वेस्टर को काफी बढ़िया सोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मीन्स कि जो भी इन्वेस्टर आने वाले समय में कोई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, कोई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा ये महत्व रखता है। मैं आज जो आपके सामने जो स्ट्रैटेजी रखने वाला हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर भी हैं जो वाकिफ हो सकते हैं ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ, लेकिन मैं आज जो एग्जाम्पल रखूँगा उस एग्जाम्पल के साथ ये भी प्रूफ होगा कि ये पॉसिबल है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे कोई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उस गाड़ी के प्राइस में जो भी वैल्यू होगा उससे काफ़ी कम दाम में आपको यहाँ पे गाड़ी मिल सकता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन आपको मैं आज स्ट्रैटेजी बताऊंगा जहाँ 9,64,000 का गाड़ी है, पूरा पैसा भी आप पे कर दोगे और आपके अकाउंट में 2 से 3 लाख रुपए का बचत भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ आपके सामने यहाँ पॉइंट रखना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले। देखो, वैसे इन्वेस्टर के लिए स्ट्रैटेजी नहीं है जो इक्विटी का रिस्क नहीं ले सकते हैं, ये वैसे इन्वेस्टर के लिए नहीं है जो मार्केट का रिस्क नहीं ले सकते हैं। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्वेरी सबसे पहले लेते हैं। सर, आई हैव ए क्वेरी दैट आई हैव टू टेक वीजा VXI इन दिसंबर एंड आई हैव 11 लाख, शुड आई मेक फुल डाउन पेमेंट और इज देयर एनी स्ट्रैटेजी टू गेट सम बेनिफिट। इनका कहना है कि इनके पास 11 लाख रुपए है, ये परचेज जो करना चाहते हैं ब्रीजा VX, क्या ये पूरा डाउन पेमेंट कर दें या फिर कुछ स्ट्रैटेजी है जिससे हमें बेनिफिट कुछ मिल जाए। चलिए अब इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हम लगाएंगे। देखो, अगर मैं काफ़ी समराइज करके बताऊं शुरुआती दौर में, तो कुछ पैसा हम यहाँ पे डाउन पेमेंट करेंगे और कुछ पैसा हम यहाँ पे लोन लेंगे। जी हाँ, हमारे पास पैसा है लेकिन हम यहाँ पे कार लोन लेंगे और उसको EMI के थ्रू पे करेंगे और इससे कुछ ज़्यादा हम बचत कर पाएंगे। बहुत ऐसे इन्वेस्टर डरते हैं कि हम क्यों लोन लें, लेकिन जो मैं आज स्ट्रैटेजी बताऊंगा इस स्ट्रैटेजी से आपका फ़ायदा होगा। अब देखो, अगर मैं वीजा VXI के प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो ऑनलाइन मुझे दिख रहा है 9,64,000 के करीब में। अब 9,64,000 के करीब में हम समझते हैं कि 1 लाख रुपए डॉक्यूमेंटेशन में खर्च हो सकता है, तो हम 1 लाख एक्स्ट्रा रखते हैं। इट मीन्स कि 9,64,000 के जगह हम 10,64,000 का यहाँ पे गाड़ी के प्राइस का वैल्यू रखते हैं। चलिए, काफी हम इजीली समझेंगे। कार का जो प्राइस है वो 9,64,000 है, यहाँ पे हम डाउन पेमेंट कर देते हैं 3 लाख के करीब में। जी हाँ, इस पॉइंट को नोट डाउन करते जाना, 3 लाख का हम डाउन पेमेंट करते हैं। अगर हम देखें तो अभी भी हमें यहाँ पे 6,64,000 का पेमेंट करना है। अगर डॉक्यूमेंट एक्सपेंसेस की बात करूं तो 1 लाख रुपए हमने यहां पे डॉक्यूमेंट का एक्सपेंसेस में रखा। टोटल जो अकाउंट में जो बैलेंस है आपका, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 11 लाख रुपए के करीब में, जैसा कि आपने क्वेरी में बताया। अब 11 लाख रुपए में से आपने 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, 1 लाख रुपए यहाँ पे डॉक्यूमेंट में एक्सपेंस हो गए, तो टोटल अभी आपके हाथ में अकाउंट में ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 लाख करीब में देखने को मिल रहा होगा। अब देखो, यहाँ पे 7 लाख रुपए आपके अकाउंट में बैलेंस है। अब गाड़ी का जो पेमेंट आपको करना है, यहाँ पे आपको 6,64,000 का गाड़ी का पेमेंट करना है। अब मैं बोलूँगा कि 6,64,000 को आप लोन के तौर पे ले लो, कोई भी बैंक से आप कार लोन ले सकते हो। यहाँ पे जो आपको EMI का इंटरेस्ट रेट होगा वो 7.5 से 8.5 के बीच में देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगर आपका क्रेडिट स्कोर हुआ तो और सस्ता आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपके अकाउंट में 7 लाख रुपए बैलेंस है, आपने यहाँ पे कार लोन भी ले लिया। अब अगर मैं कार लोन का कैलकुलेट करूं कि कितना EMI बन रहा है, देखो अगर मैं देखूं यहाँ पे 6,64,000 का हम कार लोन लेते हैं, 6,64,000 का अगर मैं यहाँ पे 5 साल के लिए देखूं और 8.7% का हम इंटरेस्ट लेते हैं, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा है, हम यहाँ पे 8% या 7.9% भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने 8.7% रखा है। अब ऐसे हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे जो डाटा देखने को मिल रहा है वो 13,687 रुपये का EMI बन रहा है। अगर आप 6,64,000 का कार लोन लेते हो और यहाँ पे 5 साल के लिए अगर आप ये कार लोन ले रहे हो तो 13,687 रुपये का EMI बनता है। अब देखो, आपके अकाउंट में 7 लाख रुपए बैलेंस है। अब आपको क्या करना है, उस 7 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है। रिस्क के अकॉर्डिंग तो मैं बोलूंगा कि अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप या एक मल्टी कैप को यहाँ पे जगह दे सकते हो।
अगर आप उस 7 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो और अगले महीने से 13,687 रुपए यहाँ पे हर महीने विड्रॉ करते हो SWP के थ्रू, तो 5 साल में कितना आपका वो 7 लाख जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था बैलेंस बचेगा, और आपका EMI पूरा होगा या नहीं होगा उसका कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखता हूँ। देखो, 7 लाख रुपए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, हर महीने 13,687 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं SWP के थ्रू 5 साल के लिए। हम रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 14% रख लेते हैं। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्टली आपके सामने डाटा है, बैलेंस अमाउंट 5 साल के बाद 2,24,000 देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे टोटल जो विड्रॉ करोगे 8,21,000 रुपए के करीब में, प्रॉफिट के तौर पे 3,45,000 होगा, जबकि आपके अकाउंट में 2,24,000 का बैलेंस देखने को मिलेगा। 5 साल में आप पूरा EMI भी पे कर दोगे और आपके अकाउंट में 2,24,000 का बैलेंस भी होगा। अब आप खुद सोचो कि जहां आप यहां पे पूरा डाउन पेमेंट करते तो कुछ हाथ में पैसा नहीं देखने को मिलता, कुछ बचता भी नहीं, वहां पे आप 5 साल रुक गए, कार लोन ले लिए और म्यूचुअल फंड में अपने बैलेंस अमाउंट को इन्वेस्ट करके वहां से SWP के थ्रू EMI पे करने लगे, तो 5 साल के बाद आपका गाड़ी का पूरा पेमेंट भी हो गया और आपके अकाउंट में 2,24,000 का बैलेंस भी देखने को मिला। तो गाड़ी का वैल्यू काफी कम हो गया। इट मींस कि हम कह सकते हैं कि 9,64,000 का गाड़ी आपको 7,30,000 और 40,000 में ही यहां देखने को मिला, क्योंकि आपके अकाउंट में अभी 2,24,000 का वैल्यू देखने को मिल रहा है। देखो, मैंने यहां पे सिर्फ 14% का रिटर्न लिया है। अगर मैं ये सोचूं कि आपका म्यूचुअल फंड ऑन द एवरेज 15% का रिटर्न दे रहा, तो आपके अकाउंट में बैलेंस जो होगा वो 2,62,000 के करीब में होगा। अगर मैं ये सोचूं कि आपका म्यूचुअल फंड ऑन द एवरेज 16% का रिटर्न दे रहा है, तो 5 साल के बाद EMI पे करने के बाद आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो 3 लाख के करीब में होगा। और आप सोच सकते हो कि आपका पूरा पेमेंट भी हो गया गाड़ी का और आपके हाथ में 3 लाख रुपए भी बच गए। शुरुआती दौर में अगर आप पूरा पैसा वहां पे कर देते तो आपके हाथ में 30,000 से 36,000 रुपए बचता, लेकिन 5 साल के बाद आपके हाथ में यहाँ पे 3 लाख रुपए के करीब में देखने को मिल रहा है। अब बहुत ऐसे यहाँ पे इन्वेस्टर होंगे, व्यूअर होंगे, जो ये कहेंगे ये हाइपोथेटिकल डाटा है, आपने कहीं से भी उठा लिया, कैलकुलेशन कर दिया। अब मैं आपको 5 साल पीछे ले जाता हूँ। हम 5 साल पीछे से कैलकुलेशन करेंगे एक म्यूचुअल फंड के सहारे। हम जानेंगे कि क्या ये, अगर मैं 5 साल पहले स्टार्ट करता तो कुछ पॉसिबल है, हमें ऐसा बैलेंस देखने को मिलता, प्रॉफिट होता। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का। जी हाँ, हम यहाँ पे 2018 नवंबर से स्टार्ट करेंगे। 13,687 रुपए का जो EMI है, हम 13,700 रुपए मान लेते हैं। अब देखो, आपके सामने मैं जो डाटा रख रहा हूँ, अब इसमें हाइपोथेटिकल कोई फॉर्मूला नहीं है। ये ऑनलाइन हम जाके एक्सिस म्यूचुअल फंड का, एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट फंड पे यहाँ पे 7 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हर महीने हम यहाँ पे 13,700 रुपए का विड्रॉ करते हैं। 1/10/2018 से ये फॉर्मूला स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट 2 तारीख को यहाँ पे हम SWP का डेट सेलेक्ट करते हैं मंथली बेसिस पे, और जो स्टार्टिंग डेट होता है 5/10/2018। इन्वेस्ट हमने कब किया? 1/10/2018, और 4 दिन बाद 5/10/2018 से हम यहाँ पे SWP स्टार्ट कर देते हैं, और जो इन डेट है वो देख सकते हो 5/10/2023 है। अब देखो, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या निकलता है, क्या कहता है? जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो विड्रॉल अमाउंट होगा वो 8,22,000 के करीब में होगा, और आज के डेट में जो करंट वैल्यू होगा एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ में 2,01,000 के करीब में। टोटल जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हमने विड्रॉ किया SWP के थ्रू, 60 इंस्टॉलमेंट विड्रॉ की। यहाँ पे रिटर्न की बात करूँ, 14.22% का रिटर्न देखने को मिला एनुअल बेसिस पे। तो आप देख सकते हो, हमने एक्सिस ब्लू चिप फंड का एग्जांपल लिया। अगर आप कोई दूसरे फंड के साथ एग्जांपल लेते तो ये फंड का वैल्यू लास्ट में और ज़्यादा देखने को मिलता। तो आपके हाथ में जो भी पैसा था, अगर आप उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके यहाँ पे कार लोन लेते हो और उस इन्वेस्टमेंट से SWP के थ्रू EMI पे कर रहे हो, तो वाकई में लास्ट में जब आपका पूरा कार लोन कंप्लीट होगा तो भी आपके अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस होगा और इससे आपका कुछ पैसा बच सकता है। जी हाँ, इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में जरूर आएं। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब करके स्टार्ट करें, फिर लेके नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।